भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप अपने व्हाइट साड़ी को, जो कि हम लोगों के एक वार्डरोब स्टेपल है, आप उसे कैसे बॉलीवुड स्टाइल में, अलग अलग बॉलीवुड हीरोइंस के स्टाइल में कैसे उसको स्टाइल कर सकते हैं और कैसे उसको पहन सकते हैं। सिर्फ एक्सेसरीज चेंज किया मैंने इसमें और ब्लाउज चेंज किया है, साड़ी वही है और उसी साड़ी को से सिर्फ एक्सेसरीज चेंज करने के बाद कैसा गेम चेंज हो जाता है और ये आप देखोगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो लुक है वो मैं बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो लुक है वो ये वाला है करीना कपूर का। इस लुक की अगर बात करें डिटेल की तो इसमें उन्होंने व्हाइट साड़ी है उनकी और जिसपे गोल्डन कलर का काम हुआ है और गोल्डन कलर का एक ब्लाउज पहना है। तो ऐसा कुछ रिजेम्बलिंग हम पहन सकते हैं अगर हम हल्के फुल्के किसी फंक्शन में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, किटी पार्टी में जा रहे हैं या हस्बैंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे ये बहुत प्यारा लगेगा लुक अगर हम ऐसा कैरी करेंगे। तो देखते हैं मैंने कैसे इसको कैरी किया है, इसी तरह से दिखाती हूँ मैं आपको। चलिए चलते हैं मेरे लुक की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये था करीना कपूर से इंस्पायर्ड लुक। अब नेक्स्ट लुक जो मैं करने वाली हूँ वो मैंने बहुत सर्च किया गूगल पे, तो ऐश्वर्या राय मिली मुझे। ऐश्वर्या राय ने अपनी व्हाइट कलर की गोल्ड कलर की साड़ी को पहना है ये इस तरह के हैवी ब्लाउज के साथ। अब मैं इस साड़ी को किस तरह से मैच करके अपने ब्लाउज के साथ पहनती हूँ तो ये देखते हैं हम इस वीडियो में। और चलिए देखते हैं कि कैसा लुक आया। ऐश्वर्या का तो बहुत अच्छा आया, उन्होंने एक बहुत प्यारा सा इयररिंग पहना है मिडिल पार्टीशन करके बालों का, वो ज्यादातर मिडिल पार्टीशन में ही रहती हैं, मिडिल पार्टीशन करके और हैवी ब्लाउज और प्लेन सिंपल सी साड़ी। तो देखते हैं कैसा लगता है, मेरा कैसा लुक आता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा ऐश्वर्या राय से इंस्पायर्ड लुक व्हाइट साड़ी का। इसमें इन्होंने जो ब्रोकेट की साड़ी पहनी है तो वैसा ही मैचिंग ब्लाउज पहना है, ब्रोकेट का ही ब्लाउज है। और मेरी यहाँ पर साड़ी जॉर्जेट की है तो मैंने इसलिए अपना मैरिज वाला लहंगे का ब्लाउज पेयर किया है। इस तरह से आप प्लेन साड़ी का कंट्रास्ट करके ब्लाउज भी पहन सकते हैं, ये देखिए। और अपना शादी का ब्लाउज तो सबको एकदम, शादी का जोड़ा तो बहुत ही फेवरेट होता है सबका, तो आप ये इस तरह से मैच करके पहन सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं इसको। वैसे मैंने वेडिंग लहंगा रियूज के काफी सारे बताए हुए आइडियाज, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस देख लो। मैंने दुपट्टा भी बताया हुआ है कि कैसे आप मल्टीवेज में रियूज कर सकते हो अपने शादी का, और अपने शादी का लहंगा आप कैसे यूज कर सकते हो ये इस पे भी वीडियो है। ब्लाउज तो हम ब्लाउज की तरह ही पहन के यूज कर सकते हैं। मैंने ये प्लेन साड़ी को एकदम से फैशनेबल सी और वेडिंग पार्टीज में जाने लायक साड़ी बना ली है, ये देखिए। इस तरह से ब्लाउज के साथ आप पेयर कर सकते हो इसको और बहुत ही प्रिटी लगता है देखकर, और ऐसा लगता है जैसे इसी के साथ का बना हुआ है ब्लाउज, काफी प्यारा लग रहा है। तो ऐश्वर्या का लुक खत्म होने के बाद अब नेक्स्ट लुक है कृति सेनन का। कृति सेनन आजकल के जमाने की काफी अच्छी हीरोइन है और मुझे बहुत पर्सनल फेवरेट है मेरी। उन्होंने जो व्हाइट साड़ी अपनी रफल साड़ी है उनकी, बट मैं मेरे पास यही साड़ी है व्हाइट कलर की, और ये चैलेंज भी है कि एक व्हाइट साड़ी मैं डिफरेंट स्टाइल से कैसे स्टाइल करूं, तो इसी चैलेंज पे ये वीडियो है। तो मैंने भी इसी तरह से यही वाली साड़ी ली है इसलिए, और उन्होंने जो टॉप के टॉप पहना है उन्होंने, और नूडल स्ट्रैप का टॉप पहना है और बहुत ही प्रिटी लग रहा है एकदम से। तो देखते हैं, अभी मैं वीडियो बना के देखती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि आगे वीडियो में मैं कैसे दिख रही हूँ, कृति सेनन की लुक के कहाँ तक पहुंची हूँ, तो बताइएगा जरूर। ये था कृति सेनन का लुक। अब आप बताइए कि कैसा लगा आपको कृति सेनन का। अब नेक्स्ट जो है वो मैंने डेजी शाह, आपने सुना होगा हेट स्टोरी में भी आई थी वो, आई डोंट नो सेकंड थी या थर्ड थी हेट स्टोरी, उसमें भी आई थी। बट ये जो साड़ी उन्होंने पहनी है और जो ये सीन है वो उनका जय हो फिल्म जो आई थी, उनकी फर्स्ट मूवी थी आई गेस सलमान खान के साथ, इतना ही मैंने गूगल कर पाई हूं मैं। तो उसमें इन्होंने ये व्हाइट साड़ी पहनी है और रेड कलर का ये ब्लाउज पहना है, बहुत ही सेक्सी लग रहा है इनका और बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। तो अभी मैं यही वाला गेटअप लेके आती हूँ, फिर देखिए आप बताइए कि कैसा लगा आपको। बाय द वे, मेरे इयररिंग्स जो हैं वो मैंने फोर एवर 21 से लिए हैं
और कैसे लग रहे हैं आपको ये भी बताइएगा। काफी प्यारे लग रहे हैं इस व्हाइट साड़ी के साथ। इस तरह का आप जो लुक है वो आप कहीं भी पार्टी में स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्किन दिखाना चाहते हैं तो इस तरह का नूडल्स स्ट्रैप टॉप पहनिए और साड़ी पहनिए और माशाल्लाह आप ऐसे ही सुंदर लगेंगे जैसे कि मैं लग रही हूँ, क्योंकि मैंने कृति सेनन को फॉलो किया है। तो आप भी देखिए और कृति सेनन को फॉलो करते हुए आप भी मुझे जरूर टैग कीजिएगा अपने वेडिंग आउटफिट के साथ जो आप अभी शादी में पहन चुके हैं या पहनने वाले हैं, ताकि सबको मैं दिखा सकूं और बता सकूं कि आप भी कुछ कम स्टाइलिश नहीं है। फ्रेंड्स ये था डेजी शाह का लुक, कैसा लगा आपको? और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा लगा अच्छा फोर में से। तो मुझे तो थर्ड वाला ज्यादा अच्छा लगा, फर्स्ट वाला भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, सभी अच्छे है मेरे लिए। तो मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, आप ही बताना कि आपके लिए कौन सा सूट करता है बेस्ट सूटेड। मैंने इसमें हर तरह का लुक डाला है, बोल्ड से लेके संस्कारी तक सब डाले मैंने इसमें लुक। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। और वैसे मैंने साड़ी सीरीज पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव उसमें जरूर मिलेगा क्योंकि मैंने बहुत ही सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी देख सके कि हम कैसे मेहनत करते हैं यूट्यूब वाले। तो फ्रेंड्स गिव अवे के बारे में ये जानकारी देनी थी मुझे आपको कि गिव अवे अभी भी स्टार्ट है। गिव अवे में पार्ट लेने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, साथ में मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि आपने मुझे दोनों जगह पे फॉलो कर लिया है और सब्सक्राइब कर लिया मेरे चैनल को। और आप जीत सकते हैं बनारसी ब्रोकेट दुपट्टे रेड और डार्क ब्लू कलर का, बहुत ही प्रिटी दुपट्टे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो तो मैं काफी सारे वीडियोज में अपने दिखा चुकी हूँ उनको, और एक दो वीडियो में मैंने इनको स्टाइल करके भी दिखाया आपको, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हैं वो दुपट्टे। आप जरूर देखिए, वीडियोस को चेक कीजिए। और आपके लिए एक और गुड न्यूज है कि अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर मेरे जल्दी से जल्दी पूरे हो गए तो मैंने जो ओल्ड साड़ी रीयूज के वीडियोस जो डालती हूँ मैं, उसी सीरीज में एक बहुत ही मेगा बम्पर सा वीडियो आने वाला है। काफी प्यारी प्यारी मैंने ड्रेसेस बनवाई है और कुछ खुद भी बनाई है, तो आपकी पूरी अच्छी तरह से फरमाइश आप लोग करते हो कि मुझे हमें आपको देखना है ओल्ड साड़ी रीयूज के और ज्यादा कौन कौन सी ड्रेसेस हम बना सकते हैं, तो वो सभी मैंने दिखाई हैं, काफी सारी है। तो जल्दी से उस वीडियो पे मैं बहुत मेहनत से काफी टाइम से काम कर रही हूँ आप लोगों को सरप्राइज देने के लिए और आप लोगों को बोनस वीडियो देने के लिए। तो ये 1000 सब्सक्राइबर्स पे आप लोगों के लिए बोनस वीडियो होगा, गिव अवे तो है ही। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और पहुंचाइए जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर तक, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैंने क्या नई ड्रेसेस क्रिएट की है। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।